मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जैव विविधता एवं संरक्षण को समझा था, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए आज इसी क्रम में हम पढ़ते हैं इसका पार्ट टू, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर से सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की अधिकाधिक उपस्थिति या जैव समृद्धि। जितने ज्यादा प्रकार की प्रजाति होंगी उतनी ही ज्यादा जैव विविधता होगी, को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी परिभाषित क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी समष्टियों, प्रजातियों एवं समुदायों से है। समझ में आया बच्चों? जैव विविधता से तात्पर्य किसी परिभाषित क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी समष्टियों, प्रजातियों एवं समुदायों से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के तीन आवश्यक घटकों के नाम बताइए, मतलब किन तीन चीजों से मिलकर जैव विविधता बनी है। तो जैव विविधता को व्यक्त करने के तीन आवश्यक मापदंड जो है, मेजरमेंट, पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजाति विविधता और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक यानी जेनेटिकल लेवल पर, प्रजाति स्पीशीज लेवल पर और इकोलॉजिकल लेवल पर। क्वेश्चन नंबर थ्री, रियो डी जेनेरियो में सन 1992 में जैव विविधता पर कौन सा सम्मेलन हुआ। तो रियो डी जेनेरियो में सन 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का सम्मेलन हुआ था, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका उद्देश्य क्या था? देशों के बीच विकास के मुद्दों पर आपसी सहयोग बनाना, सरकारी पक्ष के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं की भी भागीदारी कराना। चौथा, स्थानिक प्रजाति क्या होती है? सिंपल, स्थानिक यानी स्थान विशेष से रिलेटेड। तो वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, अन्यंत्र नहीं पाई जाती, उनको स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। जैसे एक सिंगी राइनोसोरस कहाँ? इंडिया में। बंगाल टाइगर, ब्लैक बक, बर्फीला लेपर्ड, नीलगिरी तार आदि कहाँ पाए जाते? भारत में। तो ये स्थानिक प्रजातियों में आ गए। कौन सी विशेषताएं समुदाय को स्थिर बनाती है, किसी भी समुदाय को, किसी भी ग्रुप को, ये ध्यान देना। पहला है उच्च विविधता वाला क्षेत्र हो, दूसरा वह समुदाय जिसकी उत्पादकता में साल दर साल जैव मात्रा में विभिन्नता या अंतर कम हो, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए ज्यादा, तीसरा समय समय पर आने वाली प्राकृतिक बाधा या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब वो जो सिस्टम है, वो जो कम्युनिटी है, वो इन सारी प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा निर्मित जो बाधाएं हैं उनसे वो निपट सके, उनसे बच सके। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, स्थानीय यानी एंडेमिक एवं बाह्य यानी विदेशी प्रजाति के बीच क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। पहला, स्थानीय प्रजाति वह प्रजाति जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, अन्यंत्र नहीं। बाह्य प्रजाति इसका उल्टा हो जाएगा, वह प्रजाति जो किसी नए स्थान पर विदेशी प्रजाति के रूप में स्थापित हो। हम अपने देश में है तो देश के हैं, लेकिन यदि हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे। तो वही है कि जो नए स्थान पर विदेशी प्रजाति के रूप में स्थापित हो। एक खास क्षेत्र में सीमित होने के कारण उस आवास के हानि होने के साथ प्रजाति की आबादी घटती जाती है जो स्थानिक होते हैं। विदेशी प्रजाति नए स्थान पर प्रतिस्पर्धा या परजीवियों के नहीं होने से बाह्य प्रजाति तेजी से बढ़ती है। उदाहरण, स्थानिक प्रजातियों के कदम महुआ और बाह्य प्रजातियों में जैसे गाजर घास, हायसिंथ जैसे खरपतवार, आक्रामक खरपतवार बाह्य प्रजाति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, जाति विविधता पारिस्थितिक विविधता से किस प्रकार भिन्न है। किसी खास पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या क्या कहलाएगी? जाति विविधता एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, जैसे राजस्थान के मरुस्थल की जाति विविधता। अब पारिस्थितिक विविधता में क्या होगा? किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध परितंत्रों से, जातियों में जाति विविधता, परितंत्रों में
पारिस्थितिक विविधता, जैसे मरुस्थली क्षेत्र, वर्षा वन, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरी आदि रूपों में विविधता। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1969 में जारी एक बृहद डॉक्यूमेंट है जिसमें विश्व स्तर पर पाई जाने वाली जैव प्रजातियों का जिक्र है, जो कहां पर है, किन जातियों का जिक्र है जो विलुप्तीकरण के खतरे के विभिन्न स्तर पर मौजूद हैं तथा उनका संरक्षण अति आवश्यक है। इस कागजात में प्रणाली प्रजातियों को 8 लिस्ट के रूप में जारी किया गया है जो खतरे की गंभीरता के आधार पर पाए जाते हैं। तो ग्रेडिंग की है कि कौन सबसे ज्यादा खतरे में है, उससे कम और सबसे कम, किस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस प्रकार से उसको बांटा गया है। नेक्स्ट देखें, भारत में अत्यधिक पारिस्थितिक विविधता के क्या कारण है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और सोशियोलॉजिकल के हिसाब से है कि जैसे भौगोलिक रूप में अत्यधिक पारिस्थितिक विविधता के कारण क्या है। पहला, भारत का जो भूभाग है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में, जो जैव उच्च जैव उत्पादकता का क्षेत्र है, यहाँ पर्यावरण विशिष्टीकरण की स्थितियां मौजूद हैं। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधता भरा है, तो यहाँ पर उच्च पारिस्थितिक विविधता पाई जाती है। दसवां क्वेश्चन, भूतकाल में प्रजातियों की सामूहिक विलुप्ति के क्या कारण थे? जब पास्ट में था हमने देखा था कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती थी, उसका कारण क्या था? मेन प्राकृतिक आपदाएं, जैसे हिमयुक्त आना, बड़े स्तर पर जंगल की आग, भूकंप, ज्वालामुखी घटनाएं, ये सब सामूहिक विलुप्ति मानव के पहले हुई थी, अतः मानव जनित क्रियाएं उसके लिए उत्तरदायी नहीं थी। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, इसको बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।